प्यारे दर्शकों, मैं फिर आपके साथ डॉक्टर अमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट। आज हम ज्योतिष की बात करेंगे और ज्योतिष में जो सबसे इंटरेस्टिंग विषय है, सबको पसंद आता है, काल सर्प योग, जिसे आजकल लोग बोलते हैं काल सर्प दोष, उसी की बात करूंगी मैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसके बारे में बात करने के लिए। लोग आते हैं, अपनी कुंडली खोलते हैं, देखो जी मेरे तो काल सर्प दोष और मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो परेशान ही हूँ, मैंने तो हर पूजा करा ली, सब कुछ करवा ली, 3-4 बारी करवा ली, जिस पंडित ने जैसा बोला था वैसा किया, उसके बाद भी मुझे आराम नहीं आ रहा, आप बताइए मैं क्या करूँ। क्या आप भी मुझे कुछ ऐसा उपाय बता सकते हैं कि मैं जीवन में आगे ग्रो कर सकूँ, परेशान ना हो। ये एक नॉर्मल बात होती है जिसकी कुंडली में ये योग होता है। पहली बात, मैं इसको दोष नहीं कहूँगी, योग कहूँगी, क्योंकि दोष कुछ भी नहीं होता। हर कुंडली अपने आप में कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। भगवान ने जो भी हमें दिया है बहुत अच्छा दिया है। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि जो भी हमें कुंडली में मिल रहा है वो हमारे अपने कर्मों का फल है। हमने जैसा किया वैसा ही तो मिल रहा है, कुछ स्पेशल थोड़ी ना हमें मिल रहा है। हम जो कर आए हैं वही भोग रहे हैं और वही भोग रहे हैं, वही हमारे लिए स्पेशल है। हमारी पर्सनैलिटी उन्हीं चीज़ों के लिए बनी है, हम वैसे ही डिज़ाइन हुए हैं, उसी चीज़ के लिए हम डिज़ाइन हुए हैं। तो किसी भी बात को आप दोष ना माने, कुंडली में भी दोष ना माने, योग बोले, योग है ना, और योग क्या है उसको समझो, उलझो नहीं, परेशान नहीं हो, इधर उधर भागो नहीं। अगर आप भागोगे, परेशान होगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ भटकन ही मिलेगी। इसलिए मत परेशान हो, अपने योगों को देखो, पहचानो और समझो और गर्व करो। जरूरी नहीं है कि आपको जो लग रहा है वैसा ही हो, क्या पता जो चीज़ आपको खराब लग रही है बहुत अच्छी हो, स्पेशल हो। क्या आप जानते हैं लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की कुंडली में काल सर्प योग है? मालूम है आपको कितनी ऊंचाइयों में पहुंचे हैं वो, देखा आपने? जो लोग काल सर्प योग की बात कह के दुख मनाते हैं, वो समझें कि इसमें कुछ खास है, ऐसा खास है जो आपको एक आम आदमी से अलग बनाता है, स्पेशल बनाता है, स्पेशल अप्रोच बनाता है। राहु के बारे में मैंने विवेचना करी है, केतु के बारे में बाद में करूंगी, तो आप समझ गए ना राहु क्या है। चलिए पहले मैं आपको काल सर्प योग बता देती हूँ, क्योंकि जिनको नहीं पता वो कहेंगे कि राहु की विवेचना क्यों कर रही हूँ मैं। वापस जब सारे ग्रह, जो हमारी कुंडली में सारे ग्रह हैं, जब वो राहु और केतु के अंदर आ जाते हैं, पहले राहु से शुरू हो और उसके बाद सारे ग्रह हैं और बाद में केतु हो, उसके अंदर हो, तो उसे काल सर्प योग कहा जाता है। कि जो कुंडली है वो राहु और केतु के बीच में बंध गई है, तो ऐसा लगता है कि आदमी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा। और कहते हैं, जो नॉर्मल लोग कहते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, 32 साल के बाद उनका भाग्योदय होता है। तो आप ये देखेंगे कि राहु और केतु का कुंडली पे बहुत गहरा इफेक्ट होता है। मैंने आपको बताया ना कि राहु क्या है, जितनी भी एनर्जीज हैं आसपास वो राहु हैं, जितनी भी एनर्जीज हैं। इसमें आप रेडियोधर्मी तरंगे, जो मोबाइल चलता है, रेडियो चलता है, हीलिंग की सारी ऊर्जाएं हैं। तो इसका क्या मतलब है, आप उन ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं, आप एक्स्ट्रा हैं जिनके में है वो काल सर्प योग, आप कुछ स्पेशल हैं, आपको वो सब चीज़ें भी साथ में मिली हैं। ज़्यादातर उनका कैसा व्यवहार होता है, वो बहुत सारी एनर्जी से जुड़े होते हैं जिनकी कुंडली में ये योग होता है हमेशा। अब जैसे यहाँ बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उनको और भी चीज़ें ध्यान में रहेंगी, कुछ सोचेंगे, बहुत सारी जो आसपास की एनर्जीज हैं उन्हें फील करेंगे, मतलब उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एक्स फैक्टर होता है, स्पेशलिटी होती है, वो चीज़ें जो एक आम आदमी, हम लोग महसूस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, वो लोग समझते हैं, गहराई से देखते हैं, चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। ये दोष नहीं है, ये योग है। आप खुश होइए कि आप स्पेशल हैं, आप इन सब चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। इसलिए वो आदमी कुछ उलझा उलझा सा लगता है लोगों को, जो बाकी लोग होते हैं उनके सामने। क्यों? क्योंकि वो बाकी कई सारी चीज़ों से कनेक्ट है, उनको लगता है कि ये क्या कहा, क्या सोच रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अलग होना कोई बुराई नहीं है, स्पेशल चीज़ है, उस स्पेशलिटी को समझिए, भागिए नहीं। पूजा करना गलत नहीं है कि आप काल सर्प दोष की पूजा करा लें तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कराओ ही मत, आप पूजा करवाइए, लेकिन भागिए नहीं, डरे नहीं, योग है, दोष नहीं है, कभी भी दोष ना बोलें, उलझे नहीं और समझें कि आप लोगों से अलग हैं,
स्पेशल हैं, बाकी सारी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, आपको वो भी साथ में मिली है, एक्स्ट्रा है, एक्स फैक्टर है आपके अंदर, क्यों आप ये सोचते हैं कि मैं उठ नहीं पाऊंगा जीवन में? सचिन तेंदुलकर कितना ऊपर उठे हैं आप देख रहे हैं ना, लता मंगेशकर, क्या इन दोनों का कोई मुकाबला है? नहीं है ना। यही होता है काल सर्प योग, स्पेशल बना देता है, स्पेशल पर्सनैलिटी बना देता है। लेकिन आप बनो तो सही, समझो तो सही, आप डरे डरे बैठे रहोगे मेरी तो कुंडली में दोष है, मैं तो परेशान हूँ, मैं यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले खुद आपको समझना होगा कि दोष नहीं है, योग है। उसके बाद अपने अंदर का जो एक्स फैक्टर है, जो स्पेशल है आपके अंदर, उसको निखारना होगा, पॉजिटिविटी लानी होगी, कॉन्फिडेंस लाना होगा। कॉन्फिडेंस में रहिए, पॉजिटिविटी में रहिए, किसी भी चीज़ को दोष ना समझें, और जो मिला है हमारे ही कर्मों के अनुसार मिला है वो समझें, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लें, सकारात्मक लें, परेशान ना हो, भागे नहीं, खुद पे भरोसा करें, ज्योतिषियों पे भरोसा करें, अपने ज्योतिष पे भरोसा करें, आध्यात्म पे भरोसा करें। आज के लिए इतना ही, मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगी। डॉक्टर रमा जोशी, नमस्कार।